छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बयान को कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस पार्टी ने उस बयान का लोकतांत्रिक विरोध करना भी शुरू कर दिया है। इसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 9 मंत्रियों के साथ पत्रकार वार्ता करके डी पुरंदेश्वरी के बयान की निंदा कर चुके हैं। वहीं अब संगठन स्तर पर भी प्रादेशिक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर में जिला कांग्रेस ने बीजेपी का पुतला दहन करके विरोध दर्ज कराया है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी और प्रदेश प्रभारी का लगातार विरोध दर्ज कराती रहेगी। जब तक बीजेपी की तरफ से खेद व्यक्त या माफी नहीं मांगी जाती तब तक विरोध होता रहेगा। को विदित है कि पिछले 15 वर्षों से जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रही, भाजपाइयों को, रमन सिंह को, उनके लोगों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति से, छत्तीसगढ़ की अस्मिता से कोई लेना देना नहीं रहा। और अभी वर्तमान में उनकी प्रभारी आई है डी पुरंदेश्वरी, उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, हमारे मंत्रिमंडल के लिए एक इतना घटिया और निंदनीय बयान दिया जिसके विरोध में आज शहर कांग्रेस कमेटी, हमारी प्रभारी प्रतिभा चंद्राकर जी के नेतृत्व में उनका पुतला दहन किया है और लगातार उनका विरोध जारी रहेगा। उनको छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ वासियों से, छत्तीसगढ़ के किसानों से माफी मांगना चाहिए।